हल्दी का प्रोसेस से ये हल्दी है ये नहीं नहीं तो ये बता दा फॉर्म प्लस हल्दी का उससे एरिया कितना है क्या वो सब डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें आती है तो जो जो कमोडिटीज में बैकवर्ड लिंकेजेस कंपलसरी वो यहाँ पे चेक किया जाए इसके बाद में आगे ग्रेडिंग सॉर्टिंग के लिए अंदर चला जाए। यहाँ से शायद पैकिंग होती होगी ये देखो इधर वाश होता है जहाँ मतलब धुलाई होता है यहाँ से उसको किल करने के लिए एक ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसके लिए रशिया है या साउथ कोरिया है उसके लिए ये मैंडेटरी प्रोसेस है तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हर एक टैंक का कैपेसिटी 500 केजी का है तो इसके अंदर पानी पूरा भरा रहता है और इसके अंदर ये केज के अंदर आम डालते हैं क्रेट्स में और ये केज इसके अंदर हिमस करके रखते हैं डुबा के रखते हैं तो 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये डुबा के रखते हैं तो ये लगभग अगर 500 ग्राम तक फ्रूट वेट है तो एक घंटे तक ट्रीटमेंट होता है अगर 750 ग्राम है 750 ग्राम तक है तो हमें एक घंटा 15 मिनट तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है 950 ग्राम तक है तो 1.5 घंटा ट्रीटमेंट करना पड़ता है और आम इसके अंदर डालने के बाद जब 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा अगर वो 5 मिनट के अंदर आता है तो ठीक है ज़्यादा टाइम लेता है तो वहाँ से आगे हमें ट्रीटमेंट टाइम काउंट करना पड़ता है तो यहाँ पे ये जो फल में जो मक्खी रहती है फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं वो किल करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं तो ये ट्रीटमेंट होने के बाद इमीडिएटली आम को बाहर निकाला जाता है फिर आधा एक घंटा कूलिंग के लिए और ड्राइंग के लिए रखा जाता है फिर उसके बाद में बॉक्स में इसको पैक किया जाता है बेसिकली ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं ईरान के लिए भी करते हैं केमिकल सिर्फ हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं जो सरफेस सैनिटाइजेशन के लिए काम करता है या रिपीटेडली बैच अगर रिपीट करते हैं तो वो जो आपका स्टेमेन रॉट वगैरह वो अवॉइड करेगा ये एक ट्रीटमेंट हो गया ये दूसरा जो बाजू में ट्रीटमेंट है ये 3 मिनट का हॉट वाटर ट्रीटमेंट है 3 से 5 मिनट का इसमें हम लोग 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है यूएसए आम भेजने का उसके लिए ऑस्ट्रेलिया है मलेशिया है साउथ कोरिया है न्यूजीलैंड है जापान है तो इसके अंदर हम लोग सेम सोडियम हाइपोक्लोराइड 50 से 200 ppm तक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं पानी का जो टेम्परेचर है वो 52 डिग्री सेल्सियस तक रहता है होल्डिंग पीरियड जो है वो 3 से 5 मिनट रहता है ये भी सरफेस सैनिटाइजेशन के लिए ट्रीटमेंट होता है कि इसके ऊपर जो भी डर्ट्स है या जो भी इंसेक्ट्स है वो यहाँ पे इलिमिनेट किए जाएंगे या जो भी माइक्रोब्स हैं वो सोडियम हाइपोक्लोराइड और हॉट वाटर की वजह से यहाँ पे उसको किल किया जाएगा उसके बाद में आगे वॉशिंग है और ये जो दरवाज़ा है यहाँ से हमारा प्रोडक्ट का एंट्री होता है जैसे मैंने ऊपर बताया तो ये एनेक्सल 1 और 2 हम लोग देते हैं तो यहाँ पे आने के बाद ये एनेक्सल 1 और 2 फिजिकल चेक किया जाता है एक अपेडा की तरफ से हमें डाटाबेस दिया जाता है जिसके अंदर मैंगोनेट रजिस्टर ग्रोवर्स का लिस्ट रहता है तो ग्रोवर लिस्ट के साथ में इसको पहले टैली किया जाता है कि वो फार्मर रजिस्टर है या नहीं है अगर रजिस्टर है बाद में ये सब इंफॉर्मेशन ठीक है तो ही गाड़ी अनलोड करने के लिए परमिशन यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ पे जो भी गाड़ी आती है भले वो ऊपर से पापा से भी आए तो वो गाड़ी नीचे आने के बाद मटेरियल लोड होता है उसको सील किया जाता है और यहाँ पे आने के बाद उसको डीसील किया जाता है डीसील करने के बाद ये सब अगर ठीक है तो ही उसको डीसील करने का परमिशन दिया जाता है फिर अंदर अनलोड करके लेते हैं अनलोड करने के बाद में पहला काम रहता है कि ये जो स्पीकर लगाया है उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन फिलअप किया है वो बराबर है या नहीं है वो चेक किया जाता है बाद में जो पैकेजिंग नॉर्म्स है तो वो चेक किए जाते हैं इसके अंदर ये सेलोटेप चारों तरफ से लगा है नहीं लगा है ये सेफगार्ड्स जो मेजर्स है कि क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए ट्रांजिट में तो ये सब नेटिंग वगैरह लगा है नहीं लगा है वो देखा जाता है फिर
यहाँ पे US क्वारंटाइन ऑफिसर और जो ऊपर जो क्वारंटाइन ऑफिसर बैठे हैं वो आके इसमें से रैंडमली सैंपल विड्रॉ करते हैं। तो 100 बॉक्सेस रहेंगे तो उसमें 5 बॉक्सेस वो विड्रॉ करते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो सैंपल रिज्यूम है उसके हिसाब से कुछ प्रूफ कट करके चेक करते हैं और कुछ फिजिकली चेक करते हैं। 240 तक है तो 7 बॉक्स निकाले जाते हैं। 240 से आगे कितना भी बड़ा कंसाइनमेंट रहेगा तो उसके अंदर 14 बॉक्स निकाले जाते हैं। तो ये डिपेंड रहता है लॉट के ऊपर, अगर एक लॉट में है तो एक लॉट में से मैक्सिमम 14 बॉक्सेस लिए जाते हैं। तो भले 1000 बॉक्स का लॉट में 14 बॉक्स है, मैक्सिमम सैंपल साइज 14 है, 240 तक 7 है, 100 तक 5 है। ये सैंपल बीजिंग यहाँ पे इरेडिएशन के हिसाब से लगाया हुआ है मैंगो के लिए। और एक बार सैम्पलिंग हो गया उसका यहाँ पे ठीक तरह से कटिंग वगैरह हो गया, चेकिंग हो गया, चेकिंग होने के बाद में वो परमिशन देते कि ये लॉट इरेडिएशन करने के लिए सही है या नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसको उसको रिसॉर्ट करना पड़ता है। रिसॉर्ट यानी कि प्रॉब्लम अगर नेटिंग का वगैरह है तो उसको रिटेस्ट रीपैकिंग के लिए दिया जाता है। अगर इसके अंदर US के लिए जाने वाला मटेरियल है उसके अंदर अगर कुछ टाइम मिली है तो वो टोटल लॉट रिजेक्ट किया जाता है और यहाँ से पैकर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका ये जो PUC है वो ये वजह से रिजेक्ट है। तो वो फार्म से फिर मटेरियल इरेडिएशन के लिए हम लोग अलाउ नहीं करते। वो फार्म से भले ही यूरोपियन कंट्रीज के लिए चला जाएगा क्योंकि वो फ्रूटफ्लाई के लिए हम लोग ऊपर दूसरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये हो जाता है। उसके बाद में लोडिंग होने के बाद में ये मेजरमेंट करने के लिए डोजीमीटर है। तो रैंडमली हम लोग हर एक कंसाइनमेंट में इसको साइड पे या यहाँ पे लगा के अंदर भेजते हैं ताकि कितना डोज मिला है वो यहाँ पे ये डोसोमीटर है उस पर हमें पता चलता है कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना मिला। तो इसका जो रेंज डिसाइड किया हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से वो रेंज चेंज होता है। तो वो रेंज में विद इन वो रेंज में इसको डोज मिला है नहीं मिला है वो एनालिसिस करके फिर इसका सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ऑन दैट बेसिस US ऑफिसर इसको चेक करके फिर इसको 203 जो फॉर्म है वो इशू करते हैं इसको और इरेडिएशन फैसिलिटी से इसको इरेडिएशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उसके ऊपर सब डिटेल लिखा रहता है कि इसमें कौन से एक्सपोर्टर का है, ये बाद में उसका लॉट नंबर कितना है।